शाही ने कह दिया है जानबूझकर नहीं किया ये, ऐसे में कसास नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हारी मर्जी की कोई और सजा दी जाएगी से।
ذاتی معاملات کا دباؤ. کوئی اور آپ کی جگہ ہوتا تو کب کا ٹوٹ گیا ہوتا. استغفر اللہ.
खुदा जाने जिंदा देखूंगी कि नहीं, और अपने पोते की खुशबू सूंघ भी नहीं पाई। दुनिया में आने से पहले ही मौत के पालने में सो गया। कैसा दुख है ये, कैसा दर्द है, कैसी असीयत है साहब। मुसीबत भी रहमत भी अल्लाह की तरफ से आती है, बचने और वापस लेने वाला भी वही है, हमारी जान भी अमानत है उसी की। हर मुसीबत पर, हर बला पर सब्र करना है और हर रहमत पर शुक्र है।
बाद से तुम्हारा कोई भाई नहीं है। Thank you.
यारी कदर सिर्फ आग से खेलना ही नहीं चाह रहे, बल्कि आग से बने उजला और उसमें भी दाखिल होना चाह रहे हैं। तो इस इत्तेहाद में शरीक होना दरअसल आग से खेलने के बराबर हो रहे हैं। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। काई कबीले के इंतहाई तजुर्बेकार सरदार सुलेमान शाह हमारे दरमियान क्यों नहीं है? सुना है कि हलब की ऐन सरहद पर सरजमीन अता की गई है उन्हें, तो कमांडर नासिर। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है क्योंकि वो एक वादा खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। से मुलाकात हो गई शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह अरविंद साहब। शेर बेटा, मुझे अरविंद साहब से कुछ बात करनी है। हलीमा सुल्तान के निकाह में नहीं गए शहजादे? हाँ, कुछ देर में जाऊंगा अरविंद साहब। जी फरमाइए शहजादे।